ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी मित्र, मूलांक 7 इवेंट के काम में लाभ रहेगा आज आपको भरपूर। उधार दिया हुआ रुपया भी आज आपको वापस मिल जाएगा। दिन बहुत अच्छा है, संतान सुख भी मिलेगा और कहीं ना कहीं सेहत का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सेहत आपको हल्का हल्का परेशान कर सकती है। शुभ रंग की अगर बात करें तो हरा रंग आज आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 8 शनि का अंक, जो काम आज तक नहीं किया वो काम आज आपको करना पड़ सकता है। नए लोगों से मुलाकात भी रहेगी, मुकदमे में सफलता मिलेगी आपको। और शुभ रंग की अगर हम बात करें तो सफ़ेद रंग आपके लिए भरपूर शुभ है। मूलांक 9 मंगल का अंक है, देवी मंदिर में दर्शन जरूर कीजिए और दुर्घटना के योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं वाहन धीरे चलाइए, लापरवाही न कीजिए। पुराने काम पुरानी गलतियां वो आज आपको तकलीफ देंगे तो थोड़ा सा संयमित होके बोलिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें तो आसमानी रंग आज आपके लिए भरपूर शुभ है। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। मीना जी हैं अजमेर से, जो कि अपने पुत्र प्रतीक के लिए जानना चाहती हैं। प्रतीक की जन्म की तारीख है 4/3/1999। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी कहिए, क्या पूछ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 4/3/1999 है जी, और वो कोटा के अंदर आईआईटी कर रहा की तैयारी कर रहा है जी। उसका भविष्य कैसा रहेगा और वो कैसे आगे बढ़ पाएगा वो बताइए। 4 मार्च, 4 का अंक राहु का माना जाता है और कहीं ना कहीं यह राहु का अंक इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छी सफलता प्रदान करता है। तो यही कहूँगा, आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छी जगह डाला है, अच्छी लाइन में डाला है, बस उसके ऊपर नज़र बनाए रखिएगा और कहीं ना कहीं पितरों संबंधित या भगवान श्री गणेश संबंधित कोई ना कोई पूजा पाठ आप उससे करवाइए। अगर वो ना कर पाए तो उसके पेटे आप कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप के बच्चे को लाभ रहेगा। जीवन अच्छा है, अंक अच्छे हैं, लाइन अच्छी है, वो जरूर सफल रहेगा अपने जीवन में। कैला जी, सामान्य तौर पर जो इन्वेस्टमेंट देखे जाते हैं एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा, वो होते हैं एफडीज में लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, एलआईसी करवा लेते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, पर फिर भी बहुत बार ऐसा होता है उन्हें उन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बीच में ही वो एलआईसी हुई, बॉन्ड हुई, एफडी हुई, तुड़वानी पड़ती है। तो आपसे जानना चाहूँगा कौन से वो मूलांक हैं जिनके लिए एफडी में इन्वेस्टमेंट करना, एलआईसी करवाना फ़ायदेमंद नहीं होता। ये चीज़ें ऐसी है जिनमें इन्वेस्टमेंट करना तो फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन दर्शकों को बताना चाहूँगा 4, 13, 22 और 31 ये जो तारीख है इनमें कभी भी आप म्यूचुअल फंड या किसी तरह की पॉलिसी न खरीदे। इन तारीख को किसी भी तरह का नया काम फाइनेंस से जुड़ा हुआ मत कीजिए। और मूलांक 1 से लेकर 9 अंकों के लोगों के लिए कहना चाहूँगा, आप म्यूचुअल फंड वगैरह किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी धर्म पत्नी को, जो शादीशुदा वो अपने धर्म पत्नी को साथ में रखिए, और जिनकी शादी नहीं हुई वो अपने मम्मी पापा से सलाह करके या करवाते वक्त मम्मी पापा को जरूर साथ में रखिए, तो आपको जरूर इन चीज़ों में फ़ायदा रहेगा, ये अपने आप में एक लाभदायक रहता है। जी कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी हैं कोटा से, इनकी जन्म की तारीख है 16/10/1988। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। जी नमस्ते। नमस्कार सर, ये मेरा क्या जॉब के लिए पूछना था सर। 16 तारीख जन्म की 1 और 6 7 का अंक बनता है, तो कहीं ना कहीं 7 का अंक केतु का है। सरकारी नौकरी में भी आपके भरपूर योग हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं प्रभु कृपा तो आपके ऊपर है, मेहनत में कमी आ रही है। नितेंद्र जी, आपका कैलेंडर वर्ष 2017 जिसमें भी 19 जनवरी 2017 से लेके 19 अगस्त 2017 के बीच में सरकारी नौकरी लगने के पूरे योग हैं, और प्रशासनिक सेवाओं में आप ट्राई कीजिए, जल्दी सफलता मिल जाएगी। कैलाश जी, के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी हैं बीकानेर से। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। कैलाश जी, उनकी जन्म की तारीख है 19 और महीना है 7वां, मतलब 19 अगस्त। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सुनीता जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1992 जी, और मुझे ना अपने जॉब के बारे में पूछना है। 19 तारीख जन्म की
एक और नौ दस एक का अंक बनता है और आने वाला जो कैलेंडर वर्ष है 2017 वो भी एक का अंक का है, तो कहीं ना कहीं 2017 कैलेंडर वर्ष में आपकी नौकरी लगने के भरपूर योग हैं। आप सिर्फ विष्णु पूजा या लक्ष्मीनाथ के मंदिर दर्शन कीजिए, जल्दी सफलता मिल जाएगी। कैलाश जी आपसे जानना चाहूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट पर हमने काफ़ी चर्चा की, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास बहुत पैसा होता है बट फिर भी उस पैसे को सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ पैसा पड़ा ही रहता है उनके पास। तो किस तरह व्यक्ति पैसे को सर्कुलेट कर सकता है वो जानना चाहूँगा आपसे अंक ज्योतिष के अनुसार खास तौर पर। अर्पित जी पैसे का जी जो नंबर रहता है वो अंक 6 रहता है, शुक्र का रहता है और शुक्र अपने आप में एक महिला ग्रह है, तो किसी भी तरह के किसी भी परिवार के अंदर अगर पैसा रुका हुआ है या वहाँ के मुखिया पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उन परिवार के महिलाओं की एक मॉरल जिम्मेदारी बन जाती है, वो अपने घर के पुरुषों को या घर के मुखियाओं को मोटिवेट करे कि वो अपना पैसा धर्म कर्म में या बिजनेस के अंदर, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोटेट करे, एक जगह दबा के ना रखें। शुक्र का अंक पैसे को चलित में और ज़्यादा अच्छा बनाता है। आप अगर ये सोचते हैं कि हम पैसा रोक के रखेंगे और वो हमारा अमर रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। पैसा पैसे से बनता है और चलित में मूलांक 2 मूलांक 5 और मूलांक 7 इन लोगों को तो हमेशा हमेशा इन्वेस्टमेंट करते ही रहना चाहिए। 2, 5, 7 वाले अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, उनके द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट से लाखों लोगों को लाभ रहता है। पंडित जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जमुना लाल जी हैं भीलवाड़ा से, इनकी जन्म की तारीख है 1/6/1978। जमुना लाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जी अपना सवाल पूछिए जमुना लाल जी। सर मेरा निवेदन ये है कि मेरे जो नौकरी मैं नौकरी में कोई दिक्कत है क्या? नौकरी में काफी दिक्कत है पेश आ रही है। एक का अंक सूर्य का माना जाता है जमुना लाल जी, और एक का अंक सूर्य कहीं ना कहीं हद से ज्यादा ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ गलत कीजिए, लेकिन मैं यही कहूँगा जहाँ पे आप सेवा दे रहे हैं जिस पोस्ट के ऊपर वहाँ की जो सराउंडिंग में जो माहौल है उनसे थोड़ा सा माहौल में मिलाकर चलिए, आपको असुविधा कम रहेगी और कहीं ना कहीं आप देवी पूजा कीजिए ताकि आपके दुश्मनों की संख्या कम होगी, लोग आपके से नाराज कम रहेंगे। कैलाश जी आपसे जानना चाहूँगा, बहुत बार देखा जाता है कि लोग काफ़ी खर्चीले होते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन कौन से वो नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जिन्हें खर्चा कम से कम करना चाहिए, पैसे को जितना से ज़्यादा हो सके सहेज के रखना चाहिए, यानी कि सेव करना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, काफ़ी मतलब कह तो सकते हैं घर में महिलाएं ज़्यादा खर्च करती हैं पुरुष कम करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है, महिला और पुरुष दोनों समान रूप से अपना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अगर बात करें ज़्यादा खर्च की, मूलांक 2 मूलांक 5 मूलांक 6 और मूलांक 7, 2, 5, 6 और 7 ये मूलांक वाले ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और जो कहीं ना कहीं जीवन में एक बार इनको तकलीफ़ में डाल ही देता है। तो मूलांक 2, 5, 6, 7 वालों से निवेदन है कि पैसे की कदर कीजिए ताकि भविष्य में पैसा आपकी कदर करे। और कहीं ना कहीं दर्शकों एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बुधवार को और गुरुवार को, ये दो वार ऐसे हैं बुध और गुरु जिस दिन कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर इस दिन आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, किसी को उधार दिया या पैसों से जुड़ा हुआ बड़ा काम किया तो वो आपका पैसा डूब ही जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। चलिए दर्शकों अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं आप सभी के लिए। न्यूमरोलॉजी टिप ये इसलिए कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानते ज्योतिष के बारे में, जिन्हें ज्योतिष का थोड़ा सा कम नॉलेज है और वो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी ये हमारी गुड लक टिप्स न्यूमरो टिप्स। दर्शकों 8, 17 और 26 इस तारीख को कोई भी व्यक्ति वाहन न खरीदे। 8, 17 और 26 ये अंक जो रहते हैं शनि के अंक रहते हैं, इन अंकों में अगर आप वाहन खरीदते हैं तो अब कभी भी आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। हाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मूलांक 8 के अंक वाले 8 के अंक की गाड़ी खरीद सकते हैं, 8 तारीख को गाड़ी खरीद सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अंक वाले कभी भी 8, 17, 26 को गाड़ी न खरीदें और इन अंकों की भी गाड़ी न खरीदें। आपके वाहन के जो पिछले 4 डिजिट रहते हैं गाड़ी के वो कभी भी 8 का अंक टोटल नहीं आना चाहिए। तो दर्शकों आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, सभी दर्शकों का आभार।
तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं हमसे तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।